आज के ऑडियो में मीराबाई की कहानी को जानेंगे। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी के घर एक साधु आकर ठहरे। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी पर साधु ने मना कर दिया। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हटकर बैठी और खाना पीना छोड़ दिया। रात को साधु को स्वप्न दिखा कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका मीरा के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। बचपन में ही मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई, अतः मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा राव दूधा जी ने किया था। राव दूधा जी वैष्णव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। मीरा पर अपने दादा के विचार और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा और यहीं से उनमें भक्ति भावना जागृति हुई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। विवाह के बाद भी उनका उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीरा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति के मृत्यु के बाद वे श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी लीन हो गई। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी कभी ये भक्ति में भाव विह्वल होकर नाचने लगती थी। संतों की मंडली भी इनके साथ भक्ति भाव में डूबकर नाचने लगती थी। मीराबाई के ससुराल वाले को यह बात पसंद नहीं थी। उनके पति के छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को तरह तरह के कष्ट दिए, परंतु परिवार द्वारा जितना अधिक विरोध किया गया, मीराबाई का कृष्ण के प्रति लगाव उतना ही बढ़ता गया। मीराबाई के एक पद से ऐसा आभास होता है कि उन्हें जान से मारने की भी ले भी जो है कोशिश किया गया, परंतु उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। दोहा है इनका, विष का प्याले राणा जी भेजियो पीवत मीरा हसीरे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। रूढ़िवादी राज परिवार की बहू होने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति और आदर्श के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। उन्होंने अपने शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। उनके द्वारा पहुंचने पर पूरी द्वारिका नगरी भक्ति संगीत से सराबोर हो गई। जब मीराबाई कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गीत को गाती तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ मग्न होकर गाने नाचने लगते थे। मीरा रोज अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगरवासियों को साथ मग्न होकर गाने नाचने पे विवश कर देती थी। द्वारिकाधीश के मंदिर के दर्शन करते अपने गिरिधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम और भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे द्वारिका में ही रहीं। यहीं उनका देहावसान भी हुआ। मीराबाई के अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा,
के शब्द मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया है। कहते हैं, जो हृदय से निकलती है वह हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया। उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। मीराबाई ने उस समय से किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखती थी, बल्कि अपनी निजी साधनों को ही प्रधानता देती थी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का उद्गार है। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपने ही कल्याण नहीं किंतु अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गौरवान्वित किया और उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल निधि